सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में ए सीरीज में बहुत ही जल्द एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इस मोबाइल का नाम सैमसंग गैलेक्सी A34 5G होने वाला है दोस्तों, और यह वीडियो कॉन्सेप्ट एंड प्रेडिक्शन पर बेस्ड। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते बात करते इस फोन की हाइलाइटिंग डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन के डिस्प्ले 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो कि इस बार 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले। साथ में इस फोन में 10mm कलर एंड HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि वीडियो का व्यू एंगल काफी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाली है दोस्तों। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटिंग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। और इस बार दोस्तों सोनी का लेटेस्ट सेंसर यूज किया गया है दोस्तों, जिसके हेल्प से 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी की वीडियो 60 से 120 FPS शूट कर पाएंगे। अगर अदर सेंसर की बात करें दोस्तों, ये भी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाले दोस्तों, जिसके हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे। अगर सेल्फी शूटर की बात करें दोस्तों, इस बार दी जाएगी फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरा से प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, जिससे कि काफी अच्छी क्वालिटी का वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे। और फ्रंट कैमरा के हेल्प से वीडियो कॉलिंग एंड फेस लॉक जैसे फीचर भी यूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार दोस्तों लीक्स में बताया जा रहा है कि दोस्तों इस बार मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि ये प्रोसेसर हाई ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। साथ में ये प्रोसेसर डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो सैमसंग का ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड होगा। और इस बार दोस्तों बताया जा रहा है लीक्स के अनुसार कि इस बार हाई क्वालिटी के लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग ग्राफिक्स को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखती है दोस्तों, और मोबाइल के हीटिंग इशू को भी काफी अच्छी तरह से कंट्रोल में रखती है। अगर बात करें बैटरी बैकअप की दोस्तों, इस बार दी जाएगी 5000mAh की नॉन रूमल पावरफुल बैटरी, जो कि आने वाले सुपर फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी सपोर्ट के साथ। और इस मोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स 25W का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें एडिशनल फीचर की दोस्तों, इस बार सभी तरह के फीचर यूज कर पाएंगे दोस्तों, जैसे कि 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, कंपनसेंस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोसेंस एंड डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करेंगे इस फोन के प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। इस फोन के प्राइस अप्रोक्स 20 से 25K के अराउंड में हो सकती है दोस्तों, और ये स्मार्टफोन 2023 में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।